माय सीपीसीटी एग्जाम, तो आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मतलब प्रश्न होते हैं, आपके सवाल होते हैं जो आपको बार बार मतलब परेशान करते हैं या नहीं आते हैं, तो वो पांच क्वेश्चन जो कि आपको थंबनेल पर दिखाए गए मेरे अनुसार, मैं आपको जो उन क्वेश्चनों के सभी की यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ रीड कराने वाला हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और एक छोटा सा बेल आइकन आता है उसको भी जो है आपको प्रेस करना जरूरी होता है। इससे क्या होता है, आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो चलिएगा, हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आना है सीपीसीटी होम पे, और यहाँ इसको आपको टाइप करना होगा www.cpct.mp.gov.in आपको सर्च करना होगा। जैसे आप कर लेंगे इस बोर्ड पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखना होगा कि ऑर्डर फॉर सीपीसीटी, इस पे आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत आपको इस प्रकार का यहाँ पे ये जो पीडीएफ फाइल दिख जाएगी। देखिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड कब तक मान होगा, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपका यही दिया है, ये जो है आपका लेटेस्ट और अपडेट है। अभी तक जो है 2 ईयर तक जो है अभी हमारा यहाँ पे जो है मान होता था, अभी ये जो है 4 ईयर यानी कि आपका 4 साल तक जो है चलेगा। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है मेरे पास, तो वो कैसा मतलब क्या दिया है उसमें और किस प्रकार से वो है यहाँ पे है। तो इस नोटिफिकेशन में जो है कहा गया है, यानी कि बताया गया है कि आपकी जो सीपीसीटी है अभी तक जो है 2 ईयर तक वैलिड था, आप जो स्कोर कार्ड जिसे बोलते हैं वो आप सभी का कहाँ तक था, 2 ईयर तक जो है वैलिड था, ये जो है आप यहाँ पे इस देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है लेटेस्ट है, अपडेट है, और साथ ही 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष जो है निर्धारित की जाती है। साथ ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के जरिए जो है मैं आपको रियलिटी जो है उन्होंने कहा है, और ये जो मान होगा वो आप यहाँ पे देख सकती हैं कि यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक के पश्चात आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रमाण पत्र स्कोर कोड पर जो है लागू है। तो ये आपको देखना होगा, और ये इसकी डेट है, यहाँ पे आप इसे डेट जो है देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 20/6 से हुआ है, तो ये जो आगामी जो परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिएगा और यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ये जो है पिछले जो आदेश हैं यहाँ पे, तो सीपीसीटी परीक्षा कितनी बार आप जो है दे सकते हैं। तो देखिएगा इसके साथ ही आपको मतलब सीपीसीटी करना ही होता है, जो हमारी वैकेंसी निकलती है उनमें हमें 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से किया हो आपने, या DOSG से किया हो आपने, या शासकीय पॉलिटेक्निक जो होता है आपका, या आपने ITI में जो है कोपा प्रमाण पत्र किया हो, वो आपके पास होना जरूरी है। साथ ही फिर आपका सीपीसीटी जो है कार्ड भी लगेगा वैकेंसी के साथ। और साथ ही यहाँ पे देखिएगा नीचे आते हम सीपीसीटी परीक्षा कितनी बार जो है दे सकते हैं, और साथ ही इसकी योग्यता क्या होगी, और साथ ही इसकी परीक्षा कब कब होती है, सीपीसीटी में जो टाइपिंग होती है वो कितनी यहाँ पे मांगी जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये जो नियम है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किसी एक अभ्यर्थी की परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, नियत योग्यता का कोई भी एक व्यक्ति कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रतिशतों की अनुमति यानी उसमें सुधार चाहता है, वो चाहता है कि मैंने अभी पास किया 40 मार्क्स 6 और 30 वर्ड पर मिनट वो है इंग्लिश में लाया, या 21 या 22 वो हिंदी में लाया, तो वो चाहता है कि मेरी अब अच्छी तैयारी है तो मैं उसे दोबारा दे सकता हूँ, तो वो दे सकता है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी भी 6 माह पश्चात आयोजित परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। ये जो है पुराना है, यहाँ पे देखिएगा इसी के जस्ट नीचे मैं आपको बता दूं, इसमें जो है संशोधित किया गया है, ये आप जो है देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उन्होंने जो संशोधित किया है, अब इसमें जो बोला गया है 6 माह की जो बात थी, किसी भी अभ्यर्थी के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है,
नियत योग्यता कोई व्यक्ति अपने भी कितनी बार भी परीक्षा में बैठ सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने प्रतिशतों दक्षता में सुधार के लिए परीक्षा में बैठना चाहे तो उसे उसकी अनुमति होगी। ये यहाँ पे इसका जो है कंड का तीन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका जो 6 माह था उसका जो सुधार है वो संशोधन है वो यहाँ पे है, आप देख रहे होंगे निम्न अनुसार संशोधन है ना। तो ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आप 6 माह में नहीं, आप हर 2 माह में जो परीक्षा होती है तो उसमें जो है आप बैठ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी परीक्षा की बात कि आप परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं, तो अनलिमिटेड है, आप हर बार परीक्षा दे सकते हो। अब देखते हैं हम योग्यता, योग्यता इसके लिए क्या होगी और किस प्रकार से यहाँ पे होगी। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सबसे पहले टाइपिंग वाली बात बता देता हूँ मैं कि इंग्लिश टाइपिंग की न्यूनतम गति आपको 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट जो है निर्धारित की गई है। तो ये आपको जो है परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम ना आपको लाना होगा। साथ ही 26 फरवरी 2015 का ये जो है डेट है। अब मैं आपको बता दूं सीपीसीटी परीक्षा कब कब होती है। तो सीपीसीटी परीक्षा हर 2 माह में जो है होती है और इसके हर 2 माह में फॉर्म भरे जाते हैं। आप अपना फॉर्म भर सकती हैं, चाहे आप पहले 6 बार दे चुके हों, 3 बार दे चुके हों, 2 बार दे चुके हों या 1 भी बार नहीं दिया है, तो आप हर 2 माह में दे सकती हैं। और साथ ही आप इस परीक्षा को जो अगर आप पास कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप अपनी प्रतिशत में सुधार चाहते हैं तो वो भी जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न था ये और इसके लिए योग्यता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण यानी परीक्षा सीपीसीटी हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आपने 12th नहीं किया है तो आपने 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए वो भी उत्तीर्ण। ऐसा नहीं है कि आप करंट में कर रहे हैं, वो हो जो आप पास कर चुके हैं वही आपके पास होना चाहिए। और साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है ऑफिशियल है, इस नोटिस फिकेशन यानी कि जो ऑर्डर है उन ऑर्डर को आप आदेश हैं इसे जो है आपको डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिलहाल जो अभी ये हुआ है नोटिफिकेशन यानी कि 2 ईयर की जगह आपका 4 ईयर जो है मान होगा, तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी यहाँ पे मैं रीड करा चुका हूँ पहले भी और अब भी आपको मैंने करा दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी है सीपीसीटी की, इस पे अभी इसको अपडेट यानी कि डाला नहीं है। और ये जो है बल्लभ भवन यानी कि आपका यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो डिपार्टमेंट ने ये जो है डाल दिया है। तो आप सभी के जो भी प्रश्न हो सवाल हो वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और उन सवालों को जो है मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सभी मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, साथ ही आप सभी की तैयारी भी कराता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।